पेज नंबर 27, यूनिट 5, लेसन 2, वर्ड्स एंड फोनिक्स। एक्सरसाइज ए, रीड दीज वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनकी हम रीडिंग करेंगे, फिर आप लोग इन वर्ड्स को खुद से सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एयर, ए आई आर, एयर। फेयर, हेयर। इन सब वर्ड्स में देखें एयर यूज़ हो रहा है। स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। पेयर, पेयर मीन्स टू। चेयर। वियर, बियर, यहाँ पर ईयर यूज़ हो रहा है इन वर्ड्स में। टीयर, पियर, दिस इज़ पियर एंड दिस इज़ बियर। स्केयर, एस क्यू यू ए आर ई, स्केयर, दिस इज़ स्केयर। हेयर, एच ए आर ई, हेयर। केयर, शेयर, दिस इज़ हेयर। ओल्ड, टोल्ड, गोल्ड, यहाँ पर देखें इन सब वर्ड्स में ओल्ड की साउंड आ रही है। कोल्ड, होल्ड। हेड, ब्रेड, थ्रेड। वेदर, वेदर, वेदर मीन्स मौसम। थ्रेड मीन्स धागा। अब आप लोग इन वर्ड्स को खुद से सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें एयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। द एयर इज़ क्लीन। वियर को कैसे करेंगे, शी वियर्स अ रेड शर्ट। आई हैव अ टेडी बियर। इस तरह के इजी इजी सेंटेंसेस खुद से बनाएंगे। एक्सरसाइज भी यूज़ एयर, आर और ईयर, द साउंड इज़ द सेम। यहाँ पर एक पैसेज है हमारे पास, इसमें कुछ वर्ड्स इनकम्प्लीट हैं, हम लोग एयर, आर और ईयर को यूज़ करके इन वर्ड्स को कम्प्लीट करेंगे। दिस इज़ टॉम्स लिटिल सिस्टर, ये टॉम की छोटी बहन है। दिस इज़ टॉम्स लिटिल सिस्टर, शी हैज़ फेयर एच डैश। अब शी हैज़ फेयर हेयर, यहाँ पर क्या मिसिंग है, ए आई आर। आप एच के बाद ए आई आर लिखेंगे तो यह वर्ड बन जाएगा हेयर। शी हैज़ फेयर हेयर। शी इज़ सिटिंग ऑन द स्टेयर, वो सीढ़ी पर बैठी हुई है। एस टी के बाद ए आई आर लिखेंगे इस लाइन में, शी इज़ सिटिंग ऑन द स्टेयर। शी इज़ वियरिंग अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स विद स्केयर्स ऑन देम। शी इज़ वियरिंग, डब्ल्यू के बाद ई ए आर लिखेंगे इस लाइन में, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। पी के बाद ए आई आर लिखेंगे, यह वर्ड बन जाएगा पेयर, pair of trousers with scares on them, s q u a r e s, scares। यहाँ पर इस ब्लैंक में आप a r e लिखेंगे तो पूरा वर्ड बन जाएगा scares। she has a tear in her trousers, she has a tear, t के बाद e a r लिखेंगे, she has a tear in her trousers। she is holding a teddy bear and eating a pear, b e a r, b के बाद ear लिखेंगे e a r, ear, and eating a pear, p के बाद e a r लिखेंगे pear। उसने एक टेडी बियर उठाया हुआ है और वो एक नाशपाती खा रही है। यहाँ पर देखें शी इज़ ईटिंग अ पियर। आई डोंट केयर, c के बाद ए आर ई लिखेंगे इस ब्लैंक में, आई डोंट केयर अबाउट द टीयर, t के बाद इस ब्लैंक में e a r लिखेंगे, ये वर्ड टीयर बन जाएगा। आई डोंट केयर अबाउट द टीयर, शी सेज। एक्सरसाइज सी, लुक एट द पिक्चर्स इन लेसन वन। एक्सरसाइज सी अगेन एंड से व्हाट दे आर मेड ऑफ। एक्सरसाइज सी में जो पिक्चर्स थी उनके बारे में हमने बताना है कि वो किस चीज़ से बनी है। इस तरह से एग्जांपल देखें, द कॉइन इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर ये देखें, ये वाली जो पिक्चर्स हैं इनको देख कर हम बताएंगे कि ये किस चीज़ से बनी है। द कॉइन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये आपकी ओरल एक्सरसाइज है, आप लोग ओरल बताएंगे ये किस चीज़ से बनी है। द बैग इज़ मेड ऑफ लेदर, द बैग इज़ मेड ऑफ लेदर, बैग लेदर का बना हुआ है। द थ्रेड इज़ मेड ऑफ कॉटन, द सैंडविच इज़ मेड ऑफ चीज़ एंड ब्रेड। द कैलकुलेटर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, कैलकुलेटर प्लास्टिक का बना हुआ है। द डिश इज़ मेड ऑफ ग्लास, डिश शीशे की बनी हुई है। इस तरह से आप लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में बताना है कि किस चीज़ की बनी हुई है। एक्सरसाइज डी, मैच द वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग। यहाँ पर देखें टू कॉलम्स हैं, इनमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं कुछ इनके जो सेम मीनिंग है, जिन वर्ड्स के इनको हमने मैच करना है। लाइक दिस, यहाँ पर देखें वूमेन, लेडी। वूमेन को किससे मैच किया गया है, लेडी से। वूमेन का मतलब है औरत और लेडी का भी क्या मतलब है, औरत। स्मॉल छोटा, लिटल छोटा, स्मॉल को आप मैच करेंगे लिटल से। लवली ब्यूटीफुल, लवली खूबसूरत, ब्यूटीफुल खूबसूरत। स्टोरी टेल, स्टोरी को मैच करेंगे टेल से। स्टोरी का मतलब कहानी होता है और टेल का भी मतलब कहानी होता है। हेलो हाय, हेलो को मैच करेंगे हाय से। एक्सरसाइज ई, पेयर मीन्स टू, पेयर का मतलब है टू।
In your notebook, write a pair of dash for each picture of a pair. Circle the one that is not a pair. यहाँ पर कुछ pictures हैं हमारे पास, इनमें से जो pairs में है उनके लिए आपने लिखना है a pair of dash, और जो pairs में नहीं है उनको आप लोगों ने circle करना है. Number one, picture number one देखें, shorts. ये pair में है तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, a pair of shorts. ये देखें इसके two parts हैं तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, a pair of shorts shoes. ये भी पेयर में है, अ पेयर ऑफ शूज़. पिक्चर नंबर थ्री देखें, कोट. ये पेयर में नहीं है, ये सिंगल है तो आप इसको सर्कल करेंगे, कोट को आप सर्कल करेंगे. नंबर फोर, ग्लव्स. ये पेयर में है, अ पेयर ऑफ ग्लव्स. आप यहाँ पर लिखेंगे अ पेयर ऑफ ग्लव्स. ट्राउजर्स, यहाँ पर देखें इसके टू पार्ट्स हैं तो आप क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स. नंबर सिक्स, सीजर्स. इसके भी टू पार्ट्स हैं तो आप क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स.